कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा उस वक्त चर्चा में आई थी जब यहां पर 11 लॉकर ग्राहकों ने बैंक पर आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे कि उनके लॉकर में रखा सामान गायब हो गया। उसके बाद हड़कंप मचा था, बैंकिंग प्रणाली पर सवाल उठाए गए थे, सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे और उसके बाद 2,68,00,000 रुपए का मुआवजा आखिरकार उन बैंक ग्राहकों को दिया गया था। बैंक ने अपनी गलती मानी थी और 6 लोगों को इस मामले में पकड़ा गया था। अब पुलिस और जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मैनेजर समेत 6 लोगों पर गैंगस्टर की तैयारी की गई है, यानी उन पर गैंगस्टर लगाया जाएगा। कराची खाना शाखा के लॉकरों से जेवरात गायब हुए थे और पूर्व बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज समेत 6 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय को गैंग लीडर बताया गया है और पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति चिन्हित करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी। 11 लॉकरों से 3 करोड़ के जेवरात करीब गायब हुए थे और उसके बाद मुआवजा दिया गया था बैंक प्रबंधन के तरफ से। CCTV फुटेज और पूछताछ के जरिए पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था और इन सभी आरोपियों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई, यानी पुलिस और जिला प्रशासन अब न्याय दिलाने की तैयारी में है। इनकी संपत्तियों को चिन्हित करते हुए उसका जब्तीकरण भी किया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।